इस वीडियो में मैं पॉलीगॉन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक्चुअल में ड्रॉ टूलबार के अंदर आता है और जिसका शॉर्टकट POL होता है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं इस पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन कहने का मतलब यह है कि इस पॉलीगॉन के अंदर ये ट्रायंगल भी आ सकते हैं, रेक्टेंगल भी आ सकते हैं, पेंटागॉन भी आ सकता है, हेक्सागॉन भी आ सकता है, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, कुछ भी मतलब कि हो, कितना भी साइड इसके अंदर आ सकता है। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब हेक्सागॉन और सर्कमस्क्राइब हेक्सागॉन। इंस्क्राइब आप रेड कलर में आप यहाँ देख सकते हैं और सर्कमस्क्राइब आप ब्लू कलर में यहाँ देख सकते हैं। इंस्क्राइब हेक्सागॉन वैसा हेक्सागॉन जिसका वर्टेक्स एक सर्किल से, जिसका सारे के सारे वर्टेक्स एक सर्किल से टच होता है, तो वो हेक्सागॉन उस सर्किल के लिए, मतलब ये जो सर्किल है, इस सर्किल के लिए ये हेक्सागॉन इंस्क्राइब हेक्सागॉन कहलाएगा। और यदि यदि कोई सर्किल हेक्सागॉन के साइड से टच हो, ये ध्यान दीजिए, ये हेक्सागॉन नहीं होके पेंटागॉन भी हो सकता है, ऑक्टागॉन भी हो सकता है, हेप्टागॉन भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये यदि साइड में टच करे, हर एक साइड में टच करते हुए जो ये सर्किल अगर जाती है, तो उसे जो है सर्कमस्क्राइब्ड हेक्सागॉन कहेंगे। तो ये हेक्सागॉन इस सर्किल के लिए सर्कमस्क्राइब्ड हेक्सागॉन हो जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। यहां पर ऑप्शन देखिए, जिसमें हमको रेक्टेंगल वाला ऑप्शन था, तो उसी ऑप्शन में जो है पॉलीगॉन है, जहां रेक्टेंगल है वही पॉलीगॉन भी है। पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इंटर करने के लिए कह रहा है। तो नंबर ऑफ साइड हम मैंने बताया ये कितनी भी संख्या में हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, एज आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये कितनी भी संख्या में हो सकती है। फिलहाल मैंने यहाँ एक साइड को रखा, मतलब ऑक्टागोनल फिगर को रखा मैंने। मैं ऑक्टागोनल फिगर चाहता हूँ, तो 8 मैंने यहाँ टाइप किया। यहाँ सेंटर ऑफ पॉलीगॉन इंटर करने के लिए कह रहा है, या तो मैं कीबोर्ड से एंट्री करूँ या फिर यहाँ स्क्रीन पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, तो वो मेरा सेंटर पॉइंट होगा पॉलीगॉन का। चलिए मैं स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक के माध्यम से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वही दो ऑप्शन मेरे पास आ गया, इस इंस्क्राइब जिसमें वर्टेक्स जो है सर्किल से सर्किल को टच करेंगे, तो इंस्क्राइब मैंने सेलेक्ट किया। इसमें आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है मेरा, ये सर्किल का अगर रेडियस माना जाए तो इससे होकर आप इमेजिनरी सर्किल को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये रेडियस जो है, ये जो अपने यहाँ ये जो डॉटेड लाइन देखा, तो ये जो है एक सर्किल का रेडियस था जो हर किसी वर्टेक्स से होकर इसके इस पॉलीगॉन्स के हर किसी वर्टेक्स से होकर गुजरेगी। तो ये मेरा इंस्क्राइब हो गया ऑक्टागोनल। अब
सर्कम स्टाराइड की बात करते हैं, फिर से मैंने पॉलीगॉन सिलेक्ट किया एक साइड, फिर से मैंने सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट मैंने दिया। अब दूसरा वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये साइड को टच कर रहा है। अगर मैं इसको रेडियस मानूं, फिलहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसे रेडियस मानूं तो ये एक सर्किल बनाएगा जो कि हर एक साइड से ऑक्टागोनल के हर एक साइड से टच करेगा। तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब। आप ऑक्टागोनल कह सकते, ऑक्टागोनल है अगर यहाँ, ये तो ऑक्टागोनल है, यदि पेंटागोनल रहता तो ये सर्कमस्क्राइब पेंटागोनल पेंटागोन कहलाता, यदि रेक्टेंगल रहता तो सर्कमस्क्राइब रेक्टेंगल बनाता। ठीक इसी तरह से इसमें जो पॉलीगॉन बनता वो इंस्क्राइब पॉलीगॉन बनता, इंस्क्राइब रेक्टेंगल बनता, इंस्क्राइब पेंटागोनल बनता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग को पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।